सो गाइज, इस वीडियो को एडिट करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में जो है अपनी वीडियो को कुछ इस तरीके से जो है शूट कर लेनी होगी। शूट करने के बाद गाइज, यहाँ पर आपको इस वीडियो को बनाने के लिए हम कैन मास्टर एप्लीकेशन को यूज करने वाले हैं, जो कि आपके पास होगा नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे के रखा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो है कैन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर जो है ऑलरेडी मैं इस वीडियो को यहाँ पर सेलेक्ट करके रखा हूँ। सो गाइस, देख सकते हो मैं यहाँ पर जो है अपने मोबाइल का कैन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद गाइस, यहाँ पर जो भी यहाँ पर मेरा वीडियो है मैं इसको यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो मैं अपनी वीडियो को जो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर ऐड किया हूँ, शूट किया हूँ। तो गाइस, यहाँ पर आपको भी कर लेना हो कुछ इसी तरीके से। गाइस, यहाँ पर अपनी वीडियो में जो भी स्टारा पार्ट है उसको यहाँ पर डिलीट करनी होगी। तो आपको कैसे डिलीट करना है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ तक अपनी वीडियो को रखना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ इसी वीडियो पर क्लिक करना, और यहाँ कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर जो है ट्रिम लेफ्ट पर क्लिक करके इधर का जो स्टारा पार्ट है उसको यहाँ पर डिलीट कर देनी होगी। फिर आपको लास्ट में जो भी स्टारा पार्ट है उसको यहाँ पर डिलीट करनी होगी। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ तक मैं अपनी वीडियो को रखूँगा, फिर यहाँ इधर के स्टारा पार्ट को यहाँ पर ट्रिम राइट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पर अब क्या करना है, जहाँ जहाँ से आपको फोटो कट करना है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ तक मेरा फोटो रखना चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करना, फिर से स्प्लिट पर क्लिक करना, और यहाँ पर स्प्लिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पर थोड़ी सी और आगे करना है और एक फ़ोटो यहाँ पर आपको निकालना है। तो यहाँ पर देख सकते हो और एक फ़ोटो यहाँ पर निकालना है, फिर से यहाँ पर स्प्लिट लगा देनी। लगाने के बाद गाइस, यहाँ पर थोड़ी सी आगे आना है। गाइस, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से जो आत्मा निकलेंगे, गाइस यहाँ पर देख सकते हो कुछ जितने भी है यहाँ तक आपको रखना है, फिर से यहाँ पर स्प्लिट लगा देनी होगी। लगाने के बाद गाइस, यहाँ पर क्या करना है, इस वीडियो को जो है आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर इस स्पीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसका जो है आपको स्लो मोशन में आपको थोड़ी सी कर देनी होगी गाइस, कुछ इस तरीके से। गाइस, यहाँ पर देख सकते हो, तो मैं यहाँ पर इस वीडियो को कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर किया हूँ, यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइस, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको थोड़ी सी डबल फिंगर से आपको इसको थोड़ी सी जूम कर लेना है। जूम करने के बाद गाइस, यहाँ पर इस आगे वाले वीडियो को लास्ट में आना कुछ इस तरीके से। आने के बाद यहाँ पर जो है यहाँ एक फ़ोटो कैप्चर करना होगा, तो मैं यहाँ पर इस पहले फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, यहाँ कैप्चर एंड सेव पर क्लिक कर देना है, ये आपके गैलरी में फ़ोटो कैप्चर हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, दूसरे वाले लेयर पर आपको क्लिक करना है, इस दूसरे वाले लेयर पर क्लिक करना, इसका भी जो लास्ट में कुछ इस तरीके से आना है, और यहाँ पर भी एक फ़ोटो कैप्चर कर लेनी होगी। करने के बाद गाइस, यहाँ पर क्या करना है, इसका जो लास्ट में इस वीडियो का लास्ट में आना कुछ इस तरीके से, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आना है, फिर इससे यहाँ पर एक फ़ोटो कैप्चर कर लेनी होगी। तो मैं यहाँ पर जो फ़ोटो कैप्चर कर लिया हूँ, करने के बाद गाइस, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो भी फ़ोटो कैप्चर किया था उस फोटो को, सारे फ़ोटो को आपको बैकग्राउंड जो है रिमूव करनी होगी। तो यहाँ पर आपको अगर आपको मालूम है रिमूव कैसे करते हैं बैकग्राउंड, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है मालूम तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे कर रखा, उसमें बताया हूँ कि एक क्लिक में आप किसी भी फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है आप एक क्लिक में आप से रिमूव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो ऑलरेडी मैं यहाँ पर जो है ऐड करके रिमूव करके रखा, तो मैं यहाँ पर जो ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस, मैं यहाँ पर तीनों फोटो का यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ, यहाँ पर देख सकते हो। अब करने के बाद गाइस, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपका वीडियो है और यहाँ फोटो जो भी है आपका पहले जैसे ये फोटो है, यहाँ पर देख सकते हो ये लास्ट वाले फ़ोटो है, इसको आपको सेट करना है। फिर से यहाँ पर जो ये दूसरे वाले फ़ोटो है इसको आप ऊपर कर देना कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर जो ये वाले जो थर्ड वाले जो है जो पहला वीडियो जो पहला फ़ोटो है उस पर आपको क्लिक करना है, उसको डबल इस वो टच करना है, उसको जो है फुल स्क्रीन में ऐड करनी होगी। और इस फोटो कहाँ तक लगाना है, यहाँ इस लास्ट में आना है गाइस, यहाँ पर देख सकते हो, इसको जो है कुछ इस तरीके से क्लिक करके यहाँ पर इस वीडियो के सामने में लेके आ जाना होगा कुछ इस तरीके से गाइस। और लाने के बाद गाइस, यहाँ पर इसी तरीके से सारे फ़ोटो को जो है कर लेना है। तो मैं यहाँ पर दूसरे वाले फ़ोटो को यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसको भी यहाँ पर डबल टैप करना है, इसको फुल स्क्रीन में ऐड करनी होगी, इस वीडियो के लास्ट में आना है, या दूसरे वाले वीडियो के लास्ट में आना है, इसको जो खींच कर आपको दूसरी वीडियो के लास्ट में आपको लेके आ जाना है कुछ इस तरीके से गाइस। यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर ला चुका, लाने के बाद गाइस, यहाँ पर जो
और यहाँ पे जो ये वाले फोटो जो इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर देख सकते हो इसको क्लिक करना है, इसको जो यहाँ तक आपको लास्ट में यहाँ तक आपको लाना है इस फोटो को। तो मैं इसको जो कुछ इस तरीके से खींच कर इसको यहाँ तक आपको लेके आना है इस फोटो के तक, इस वीडियो तक, लास्ट वीडियो तक, यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस फोटो पर क्लिक करना है, इसको जो है आपको बॉडी में आपको जो है एडजस्ट करनी हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देख सकते हो जो भी जितना बड़ा वो बॉडी है कुछ इस तरीके से आपको बॉडी के हिसाब से इसमें ऐड करनी होगी। तो मैं यहाँ पर जो इसको ऐड करता हूँ, तो गाइस देख सकते हो तो मैं इसको जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐड किया हूँ। ऐड करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको क्लिक करना है इसी फोटो पर, अपने वाले फोटो पर क्लिक कर देना है और यहाँ चाबी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जस्ट थोड़ी सी आगे आना कुछ इस तरीके से, गाइस यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से आगे आना है। उसको जो है कुछ इस तरीके से आपको ऊपर की ओर आपको कुछ इस तरीके से खींच देना होगा। कुछ इस तरीके से खींचने के बाद गाइस यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर इस वीडियो के लास्ट में आना है कुछ इस तरीके से। गाइस यहाँ पर देख सकते हो इस वीडियो के फोटो के लास्ट में आना है, इसको कुछ इस तरीके से आपको रोटेट कर देना होगा कुछ इस तरीके से। गाइस यहाँ पर देख सकते हो अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ कुछ इस तरीके से रोटेट, और कुछ इस तरीके से ऊपर कहीं और कर देना है और यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइस यहाँ पर क्या करना है, थोड़ी सी स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देख सकते हो एक अल्फा ऑफिस सिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है। इसको जो है 50% पर आपको रख देना हो कुछ इस तरीके से। गाइस यहाँ पर देख सकते हो रखने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो इसमें जो है, तो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है कि सारे फोटो को जो लेयर है गाइस यहाँ पर देख सकते हो, इस सारे फोटो को लेयर जो है आपको इस वीडियो की लास्ट तक आपको करनी होगी। तो मैं यहाँ पर जो इसको लास्ट तक कर देता हूँ, तो सारे फोटो का लेयर जो है इस वीडियो की लास्ट तक करना होगा गाइस। तो मैं यहाँ पर जो है एक एक करके कर देता हूँ। सो गाइस फाइनली वीडियो जो है कंप्लीट हो चुके थे गाइस, यहाँ पर देख सकते हो एक वीडियो जो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी अमेजिंग लग रहा है गाइस। तो गाइस इस वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ सेव वीडियो पर जो क्लिक करेंगे तो ये आपके गैलरी में जो है सेव हो जाएंगे।